सुने ना, अब गुनाह नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे। अरे बोले भाई झूठ बोलेंगे, सूद लेंगे, रिश्वत लेंगे, जहेज लेंगे, बेटी बाप से डिमांड करेंगे। हाथ उठाइए तो कितने लोग डिमांड कीजिएगा। ये देखिए, नहीं नहीं गाली नहीं, मैं बता रहा हूँ, कभी कभार होश से काम लीजिए। एक साहब इसी तरीके से मोहल्ले वालों, पूरे मोहल्ले वालों को दावत दे दिया, पूरे गांव वाले को दावत दिया कि मैं रोड पे एक दुकान खोला हूँ, और वो दुकान की ओपनिंग है, इफ्तिताह है, उद्घाटन है। तो सारे मोहल्ले वाले मेरी दुकान के पास पहुंचिएगा, सबके नाश्ते पानी का इंतजाम रहेगा। बोला वहाँ करना क्या है? बोला वहाँ दुआ की जाएगी, हम लोग अपना मुसलमान है, दुआ की जाएगी। तो सारे लोग आमीन कहेंगे, हो सकता है किसके आमीन कहना कबूल हो जाए, तो हो सकता है हमारी दुकान अच्छी चलेगी। बोला ठीक है, पूरा मोहल्ला के लोग पहुंच गए, पूरे मोहल्ले के लोग पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो पूछा, अरे इमाम साहब कहाँ है जो दुआ करेंगे? बोला इमाम साहब तो दावत दिए थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं खुद से दुआ करूँ, क्योंकि मैं खुद से करूंगा तो दिल से दुआ करूंगा। मोहल्ले वालों ने कहा हम लोगों को टेंशन क्या, हम लोग को तो सिर्फ आमीन ही तो बोलना है, आमीन ही, मतलब हमारी भी कुर्बानी का टाइम आइए दिया। नहीं, अपने इलाके में होता है, ये अपने इलाके में होता है। घर में एक दो तीन चार पांच खस्सी है, कभी उसको माला नहीं लगाएगा गले में या सिंह में, माथे पे फूल नहीं चढ़ाएगा। रमजान का महीना आ गया, नहीं चढ़ाया, ज़िकैदा का आया, नहीं चढ़ाया, लेकिन ज़िलहिज्जा का चांद दिखाया, सब को छोड़ करके एक खस्सी के सर में माला चढ़ा दिया, फूल लटका दिया। पूछते हैं बिलाली ने पूछा, आखिर सबको फूल डालना चाहिए, एक एक खसी में काहे डालेंगे, और खसी तो है। बोला नहीं हजरा, इसका टाइम करीब आ गया है, मेरा टाइम करीब है इख्तिताम होने का, दो चार मिनट सुनेंगे ना आप लोग। पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए, और जब मोहल्ला वाला इकट्ठा हो गया, कायमान साहब ने बोला नहीं मैं खुद दुआ दिल से करूंगा। अब दुआ करने लगा, आप लोग लेकिन आमीन कहिएगा। वो उन लोगों से कहा, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, उन लोगों से कहा कि आमीन कहिएगा। अब दुआ करने लगा कि या अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत दे दे, लोग बोले आमीन। या अल्लाह हमारे हमारी दुकान में काफी आमदनी हो, सब लोग आमीन कहते रहे। या अल्लाह खूब ग्राहक आवे, रोज बिक्री हो, सुबह शाम दोपहर रात हो दिन हो, हम सोने के लिए जावे तब भी ग्राहक आ जाए, हमको उठा करके सामान खरीद करके ले जाए। आमीन पर आमीन चालू। या अल्लाह खूब ग्राहक, यहाँ तक कि ग्राहक का लाइन लग जावे। तो एक आदमी पीछे से कहा, अरे कोई आमीन मत कहना। बोला क्यों? बोला ये कफन का दुकान खोले हुए, आमीन कहोगे सब उठक जाओगे। समझ रहे मेरी बात को? जरूरत जहाँ सुभान अल्लाह कहने की वहाँ सुभान अल्लाह को। आज जलसे से बहुत बड़ा पैगाम मिला है, आज जलसे से बहुत बड़ी हमें नसीहत मिली है। आज का ये जलसा चितमा चितमा ठीक का जलसा, ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा जलसा है जो सारी रात जलसा है। जिस जलसे में शराबियों ने तौबा किया, बोलो सुभान अल्लाह, शराबियों ने वादा किया आज शराब नहीं पिएंगे, यकीनन गुनाह करने वालों ने वादा किया आज हम गुनाह नहीं करेंगे, और अपने गुनाहों से तौबा भी कर लिया। यही वो जिक्र पाक इस्लाह मुआशरा की पाकीज़ा मजलिस सरज़मीने कितमाटी में मुनक़िद की गई, जिसमें इन नौजवानों ने, कमेटी वालों ने मेहनत की और मेहनत का फल मिला, रंग लाया, इलाके में पैगाम किया, कसम खुदा की जलसा यहाँ नहीं हो रहा था, रहमतों की बरसात हो रही थी, खुदा के फरिश्ते यहाँ वहाँ सारे सामीन के लिए दुआएं करते नजर आवाज जिंदाबाद, नारा तकबीर, नारे रिसालत, मसनके आला हजरत, शुक्रिया सर, बहुत उम्दा, शुक्रिया, अल्लाह फजल अता फरमाए, सुभान अल्लाह सुभान। नहीं गनिए ना, अल्लाह ने इतनी अकल दी है, माँ बाप काफी मेहनत किए थे पढ़ाने में, हाँ गिनती याद है। नहीं नहीं ऐसे ऐसे गिन के देते हैं, हजरत ने बताया क्या जरूरी देना कैसे, देखिए एक चीज और बता देते हैं, ऐसे लाइए, ऐसे मुट्ठी बंद करके लाइए, दे दीजिए तो उस तरह तो उसको देता नहीं, अगर उस तरह देवे करेगा तो वहां वीडियो में दिखाएगा कैसे कि हम लोग जलसा में बाद में सुनेंगे कि रे हम कितना दल लियो, देख वो देखना है उसमें ना, इसके लिए एकदम गिन गिन के देता है, गिन के मत दीजिए,
ज्यादा तो है नहीं, हम छीटा छीटी टहल करेंगे। जिसके पास ज्यादा रहते हैं वो इधर उधर फेंकता, कुछ करना नहीं, बस अपनी जगह पर रखे। थोड़ी देर तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस्लाह मुआशरा, हमारे मुआशरे में इस्लाह की सख्त जरूरत है। और ये इस्लाह कौन करेगा, ये इस्लाह करेगा कौन? तो हार पहनाएं फांसी फंदा है, निकल ही नहीं रहा। इस्लाह कौन करेगा? अभी आपने सुना, ये उलमा करेंगे, इमाम करेगा, चाहे आपके मोहल्ले का इमाम हो, चाहे आपके मोहल्ले का एक मुफ्ती हो, आपके मोहल्ले का एक मौलवी हो, मोहल्ले का एक आलिम हो, बाजू का मौलवी हो, बाजू का कोई आलिम हो, कोई इल्म रखने वाला ही तो इस्लाह करेगा, जो जानकार होगा वही इस्लाह करेगा। मुझे तो डर लगता है एक वक्त ऐसा ना आ जावे को कोई इस्लाह करने वाला नहीं मिलेगा। अल्लाह करे वो वक्त वापिस ना आवे, क्योंकि एक दौर था, एक जमाना था जिसमें हम तो नहीं थे, इनमें जितने लोग हैं वो भी नहीं होंगे, लेकिन उसकी तारीख आज मिलती है, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलता था। आलम उस वक्त का ये था हजरत, कोई मुर्गी जबह करने वाला नहीं मिलता था। और इलाके में एक, अभी हजरत बताया ना पीर की बात, अजीब किस्म का, वो भी कैसा फिर वो अल्लाह बेहतर जाने, वो भी आते थे तो मुर्गी जबा करने के नियत और तरीका नहीं बताते थे। कहते थे तुम लोग छुरिये ले आओ और छुरिया में फूंक देंगे, जब तक हम नहीं आएंगे तब तक जबा करते रहना। अरे बाप रे, कौन फूंक है? और उसके बाद वो भी अजीब हालत है, एक एक आदमी दो दो तीन तीन छुरी ला करके फूंकवा लिया और ले जा करके घर में एकदम खोस के रखता था कि जब तक नहीं, जब मुर्गी बस बीमार हो जावे, मुर्गा जबा करना, खस्सी जबा करनी है, कब तक चलता था ये मामला, कब तक चलता था? जब तक पीर साहब आना जावे, और पीर साहब आए, तीन छुरी को फुकवा के रखा, दो छुरी इस्तेमाल किया था, एक तो धर ले है, लेकिन जब पीर साहब आए तो वह छुरी वजू खत्म, फिर फुकवाना, फिर उसको दम करवाना, तब मुर्गी से बकरवा, कहीं वो वक्त वापिस ना आ जाए। ये इन्वेला क्या है? रिचार्ज ही उसका खत्म, उन्हें उसका पावर है खत्म। पावर कब तक है? जब तक पीर साहब ना आवे तब तक है, जब आ जावे उसका पावर खत्म। कहीं अल्लाह ना करे वो वक्त वापिस आ जावे। जानते हैं एक जनाजा रखा था, जनाजा, आज अपने बच्चों को हम तालीम की तरफ रुझान अपने बच्चों का पैदा नहीं करते, अपने बच्चों को हम पढ़ाना नहीं चाहते, अपने बच्चों को तालीम से मुजय्यन करना नहीं चाहते, लेकिन ये एक अंग्रेज आया, बांट के चला गया, बांट के, अंग्रेज ने क्या बांटा मालूम है? सब उससे पहले कोई तारीख बताइए जिसमें लिखा हो दीनी तालीम दुनियावी तालीम, दीनी और दुनियावी तालीम का बांटने वाला अंग्रेज था। उससे पहले बताइए कोई ऐसे हो जिसमें, जिसके पास सियासत का इल्म नहीं था, जिसके पास साइंस का इल्म नहीं था, जिसके पास जो है मंतिक का इल्म नहीं था, फलसफा का इल्म नहीं था, हाँ कोई इल्म में बंटवारा नहीं था, ये दुनिया में अभी अंग्रेज ने बांट दिया कि ये कुरान दीन की तालीम, हदीस दीन की तालीम। मैं तो समझता हूँ इंसान की जरूरत की जितनी इल्म है वो दीन में शामिल है। इस बात को सुने, अभी इस चीज की जरूरत है। अभी हम कहते हैं कि इंग्लिश ये दीनी तालीम नहीं है, अब बताओ इंग्लिश हमारे और आपके लिए जरूरी है कि नहीं? बोलो जरूरी है ना? अरे बोले भाई जरूरी है ना? अब अगर हम कहें कि ये दुनिया की तालीम है, जरूरी नहीं है कि ये इंग्लिश पढ़ो, जरूरी नहीं कि तुम मैथ पढ़ो, जरूरी नहीं कि तुम साइंस पढ़ो, तो चलो बीमार पढ़ोगे तो मर जाओगे। हाँ अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, अपने बच्चों को एमबीबीएस डॉक्टर बनवा लो, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा, इतना पढ़ा, उतना इतने साइंस पढ़ा, इतने उसे इतना पढ़ा दे उसे अपना अपने बेटे को इंजीनियर बना दे, प्रोफेसर बना दे। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, जहाँ इंग्लिश पढ़ाओगे, जहाँ तुम हिंदी पढ़ा रहे हो, जहाँ तुम साइंस पढ़ा रहे हो, जहाँ तुम संस्कृत की तालीम दे रहे हो, उससे पहले अपने बच्चों को तुम कुरान पढ़ा लो, अपने बच्चों को कुरान के इल्म दे लो।
फातिहा। जरूरत है, जरूरत है दीन की भी ताली, कहते हैं कुरान की तालीम। हाँ, दीनी असली दोनों तालीम की जरूरत है और उस तालीम से हम बहुत दूर हैं। एक वक्त था, बात आगे, माजरा चाहता हूँ हुजूर, माजरा चाहता हूँ। एक वक्त था, सुने, जाहिल जहालत इतनी भरी थी, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं, कोई मिलता नहीं था। आज भी अपने इलाके में बहुत ऐसे हैं कि अगर मुर्गी भी जबा करनी हो ना तो मसला पता नहीं। मेरी माँ बहन बेटियां बैठी हुई है, हुजूर मुफ्ती साहब किबला सैयद साहब आले रसूल बैठे हुए, अगर मर्द नहीं है मुर्गी मरी जा रही है या मुर्गी जबा करने की जरूरत है, क्या औरत जबा नहीं कर सकती? अरे बोलो भाई, औरत जबा नहीं कर सकती? अगर कह दिया जाए तो मर्द भी कह गए, अब जेनियन जबा करा लग रही, अजीब बोली, औरत जनाना जबा करेगी, बाप रे, उसकी जबा ना खाया ही नहीं जाएगा, गोश्त क्यों नहीं खाया जाएगा, औरत हो जाएगी। सुनो, औरत जबा कर सकती है, अगर आप मौजूद हैं, आप जबा कीजिएगा, हम जबा करना जानते नहीं है, कब जानिएगा, दाढ़ी सफेद हो गई, लाठी सहारा चलने लगी, अब जे होगा सुने हैं जाने में, तो खबर मुर्गी जबा कर सीखल जाएगा, वहां सीखने जाएगा कि खबर में कि मुर्गी कैसे जबा करे, यहाँ सीख, यहाँ यहाँ जरूरत है, खबर में सीखने की जरूरत नहीं है। अब भी वक्त सुधर जा, किसी से कहते हैं ना नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़िए, मौलाना साहब नमाज, मौलाना साहब नमाज, इधर देखिए, इधर इधर देखिए, पैरवा कितना हिल रहा है, खड़ा होता है ना एकदम डग 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 करता है, अजीब बोले, बोले क्यों, बोला हम सीधा खड़ा नहीं रह पाते हैं, हम बोले ऐसा, जब खड़ा नहीं रह सकते तो बैठ के पढ़िए, बैठ के पढ़ सकते हैं, हाँ हाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। दो चार दिन के बाद मुलाकात हुई, सलाम अलैकुम, क्या खैरियत है, नमाज पढ़ रहे हैं ना, बैठ के, मौलाना साहेब बैठते हैं ना खड़े नहीं हो पाते, और खड़ा रहते तो बैठिए नहीं पाते, कौन स्प्रिंग एकदम जाम हो गया, बैठता है तो उठ नहीं पाते, खड़ा रहते तो बैठ नहीं पाते, एकदम बड़ी परेशानी। हम बोले सुत के पढ़िए, लेट के पढ़िए, लेकिन नमाज पढ़िए, नमाज माफ नहीं है। आज तो हम बहुत आगे चले हैं, एक चीज को और देखिए, अल्लाह की बारगाह में एक बात और सुने, कब्र में जाइएगा ना, हश्र के मैदान जब होगा ना, तो वहां ये नहीं पूछेगा क्या पथरू बड़े पीर के नाम से दिया था, सही बता रहा हूँ, क्या जोड़ा मुर्गा गछले था, ये नहीं पूछा जाएगा। रोजे मशर की जांग उदास बुगात अब वली कुर्शिश नमाज, ये नहीं पूछा जाएगा कि रसगुल्ला का फातिया कराया था कि बताशा का, नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले जो पूछ गछ होगी वो नमाज की होगी, इसकी अहमियत हम नहीं देते, हम सीखने नहीं करते, वही बुरा चाचा खड़े नहीं रह पाते, बड़ी दिक्कत हमारे, हमारे चुट के पड़ गए। एक दिन मुलाकात हो गई, गांव में बारात आई, निकाह पढ़ाने की जरूरत पड़ी, और जल्दी जल्दी जा रहे थे, तो बारात का आलम भी अजीब हालत है, हुजूर हमारे यहाँ बारात आती है ना, बाप रे देखिए अजीब हालत है, जितना पैसा वाला है नोट वाला है वो फजूल खर्चे में, वो ढोलक, वो डमका, वो डीजे, वो लाइट झिमिक झमक, और सब मोहल्ले वाले लोग निकल जाते हैं, और उसमें मर्द तो मर्द और औरतें तो पहले निकल के खड़ी रहती, और उसके बाद हम देख रहे, हमारी बीवी वहां खड़ी होकर मुस्कुरा रही, नाचने वाला नाच रहा है वो देख रही, हमारी बहन देख रही, हमारी बेटी देख रही, और हम भी उसमें इतने बेगैरत हो गए कि हम भी उसी में देख रहे, और हम भी दांत निकाले हुए जिसमें तीन दांत सरल, और सबको दिखा रहे, अजीब भाई दिखा रहे, और सोचिए कि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और उसी में कहीं अपना जवान बेटा घुस गया, जवान बेटा उसी में घुस गया, कहीं नाच लिया, तो उसके बाद बुढ़वा देखिएगा, हमरो बेटे में हिला दी को, मेरा बेटा पूरा मजमा हिला दिया नाच के, हाँ मजमा में, अगर बेटा नाच रहा है ना तो बाप पूछ रहा है, मेरा बेटा भी पूरा हिला दिया, जमा दिया पूरा, तहलका मचा दिया, हमारे बेटवा तरह कोई कमरियों नहीं हिला रहा था, तारीफ कर रहा था, बेगैरत शर्म से मर जानी चाहिए, शर्म से मर जानी चाहिए,
मैं इस बात को इसलिए हुजूर के सामने बयान कर रहा हूँ और मैं जुबान अपने इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ मालूम है कि आपको समझने में आसानी हो। बढ़िया से समझ जाइए और कल बेटा को नचवाइएगा नहीं, कल बेटा को नचवाइएगा नहीं, नचवाइएगा ना। अजीब हालत होती है, ओ नाच गाना ढोलक बज रहा है। अब उधर से जब हम जा रहे थे तो देखे बूढ़ा चाचा लाठी पकड़ के देख रहा, मने मने हंस रहा है। हम बोले चाचा कहिया, तो देखा तो गड़ा हुकलाने लगा, घबराने लगा। उसके बाद क्या करते, नतिया इन्हें अल्लाह कहने चल गए। अजीब बोली, मेरा नवासा था इधर, उसको हम तलाश रहे थे, हम देखने नहीं आए मौलाना साहब, उसको खोज रहे तलाश रहे, इधर चल गया। खोज रहा था वहां बीच हम कहां देख रहा है, इधर देखो ना भीड़ में। सुनो, इन बुराइयों से बचो, गुनाहों से बचो, मरना सभी को, मरना सभी को है, जानते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, मुझे डर लगता कि वो वक्त वापिस ना हो जावे, कोई तेरे नाम पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई दुआ करने वाला नहीं मिलेगा। अब भी वक्त है क्या, हम और अपनी अगर जवान हो भी गया है उसको चार तो सूरत तक याद नहीं। मैं तो कहता हूँ कि इल्म हासिल करना फर्ज है, मेरे आका की हदीस है, इल्म हासिल करना फर्ज है, लेकिन कम से कम चार सूरत तो याद करना फर्ज है। अगर तुम नहीं याद करोगे तो तुम नमाज कैसे पढ़ोगे। कम से कम चार सूरत तो याद होनी चाहिए। हम कुरान नहीं पढ़े, हमारी उम्र हो गई 40 साल, क्या इमाम साहब के करीब अगर हो जावेंगे, इमाम की सोहबत अख्तियार कर ले, इमाम की कुर्बत अख्तियार कर ले, उलमा के कदमों में जाकर के बैठ जावे। जब वक्त मिलती है, जब तक तुम्हें नहीं मिलता, दिन भर मजदूरी करते हो, राजगिरी करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन जब शाम को वापिस आए तो शाम को जब वापिस आओ कम से कम 1 घंटा ही सही वक्त निकाल के इमाम के पास आ जा और उनसे सलाम कर गुजारिश कर, हुजूर मैं कुरान पढ़ने नहीं जानता, कम से कम 1-2 सूरतें सही करा दो, पढ़ा दो, यकीनन अगर रोज हाजिरी दोगे नियत तुम्हारी अच्छी होगी, अच्छी नियत लेकर के जाओगे, हमें इमाम तुम्हें बताएगा, तुम जुबान हिलाते चलोगे, जुबान तेरी ही इधर जाएगी, उधर खुदा की रहमत मुस्कुराती आएगी, और यकीनन तुझे कुरान याद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकिन आज हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, कोशिश नहीं करते। साहब का इंतकाल हो गया, बात बहुत लंबी हो गई, अल्लाह फजल अता फरमाए, बुराइयों से बचाए, लेकिन अब वो उधर में नहीं जा सकता। एक बात और सुन लीजिए, हमारे इलाके में हजरत एक नहीं अनेक गरीब की बेटियां बच्चियां आज अगर मुआयना किया जाए, सर्वे किया जाए, तलाश की जाए, जुस्तजू किया, ढूंढा जाए, जानते हैं इस गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में कई एक लड़कियां मिलेगी शादी ना होने की बुनियाद पर अपने जिस्म को बेचने के लिए तवायफ खाने चली। किसने भेजा ये बताओ, भेजा उसे किसने, हमने और आपने। क्योंकि जब लड़की देखने के लिए जाते हैं ना, क्या खुशनसीबी है बेटा शादी कर रहे हैं तो जितना मौलाना मिलेगा सब मौलाना साहब को। हजरत देखिएगा ऐसा छड़क पार कर दो, लगते जबर इंसान मेरे लड़का शादी कर ही देंगे, इंसान लड़का शादी करेंगे। हजरत कोई बढ़िया लड़की देखिएगा, हाँ लड़की खूबसूरत है, मौलाना साहब ने बता दिया लड़की खूबसूरत है, कुरान पढ़ी हुई है, उस्तानिया भी की हुई, फुकानिया भी की हुई, मौलवी की हुई लड़की है, और इधर इंटर भी की हुई है स्कूल से, माशाल्लाह लड़की खूबसूरत भी है, ठीक है गया देखने, तू जाने के बाद लड़की देखने की कोशिश में गया, तो लड़की देखनी चाहिए। लेकिन जितने लोग जाता है जब जो घर में बैठाता है पहले ऊपर देखता है, गारा की रंग हो दत्तों की रंग, माल देख ले कि देने वाला वो आदमी कैसा मजबूत है कि नहीं, मकान अच्छा कि नहीं, कभी दाएं देखेगा बाएं देखेगा, इधर देखेगा उधर देखेगा। अबे तुम लड़की देखने आए, घर देखने आए, तुम मेहमान है कि डकैत है रे,
तुम इसको चोरी करने आया, चारों तरफ देखना किधर से घुसेंगे। मालदार अगर नहीं है, पैसे वाला नहीं, टूटा फूटा घर है तो आलम क्या होगा देखेगा। लड़की तो ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद जब वापस आएगा मौलाना साहब से कहेंगे, तब लड़की देखे तो कैसा समझ में आया जे ना लड़की ठीक है। लड़की में कोई ऐब नहीं है, लड़की ठीक है, दूसरे काबिल नहीं, लड़की में कोई ऐब नहीं है, लेकिन क्या है बोला नाकिए की चापट है। अजीब नाकिए केड़ है, नाकिए केड़ है, थम्मा क्यों? नाक केड़ नहीं है, घर का लकड़िए टेढ़ है। तुमको पैसा नहीं मिलने वाला है ना, इसलिए तूने लड़की को ऐबदार बना दिया। आज कितनी लड़कियां इस ऐब की बुनियाद पर एक देखने गया, दो देखने गए, तीन गए, चार गए, पांच गए, दस दस गांव के लोग दस दस जगहों से दस मर्तबा मेहमान पहुंचा, आज तक उस लड़की का रिश्ता तय नहीं हो पाया। किस बुनियाद पर? कि उसका बाप पैसे वाला नहीं है, उसके बाप रोकने वाला नहीं है, उसके बाप बैंक बैलेंस वाला नहीं है। और जब बगल वाली सहेलियां उसकी आती है ना, तब उसके बाद कहती मेरी बहन क्या हो गया, मैंने दूंगा सुना था कि फलाने गांव से आया था, फलाने गांव से मेहमान आया, फलाने गांव से, गिनती के हिसाब से 12 से 15 लोग देखने के लिए 12 से 15 रिश्ते तेरे आए, लेकिन तू तो देखने में ठीक है। कौन है भाई कि तुमको लोग पसंद नहीं करते? कसम खुदा की इतना कह करके तू उसकी सहेली गई, लेकिन अब देखो इसके दिल पर कितनी चोट लगी है, इसके दिल पर क्या असर है, इसके दिल पर क्या बीत रहे हैं। रात की तारीखी है, रात की तारीखी में उधर वो लड़की का कमरा है, अपने कमरे में हुई वो इस्लाम की शहजादी, अपने इस्लाम की बेटी लेटी हुई है, इधर उसके माँ बाप बूढ़े हैं जो अपने गुर्बत व अफलास की सांस ले रहे हैं, दूसरे कमरे में वो बच्ची की माँ कहती है अपने शौहर से यानी बच्ची के बाप से, ए मेरे सरताज अब क्या होगा, हम अपनी बेटी की आबरू कैसे बचाएंगे, एक से दो, दो से तीन, चार, पांच साल हो गए, 17 साल की उम्र से मैं लड़का तलाश रही हूँ, आप तलाश रहे, लेकिन आज तक कोई मेरे घर का दामाद बनने को तैयार ना हो पाया। कैसी किस्मत, कैसे मुकद्दर लेके हम दुनिया में आए हैं, ए मेरे सरदार, अब ऐसा लगता है कि मेरी इज्जत ना बच पाएगी, अब ऐसा लगता है मेरी बेटी की आबरू कोई लूट डाले, ऐसा लगता है मेरी बेटी की भरी जवानी देख करके कहीं तेरा लूट डाले कोई ये सोच के दोनों बूढ़े और बुढ़िया रो, बूढ़ी बूढ़ी और बूढ़ा दोनों उस बच्ची के दोनों माँ बाप रो रहे हैं, लेकिन ये सिसकने बिलकने की आवाज दीवार के उस पार जवान बेटी है ना, उसे भी तो रात को नींद नहीं आ रही थी, ये सोच के उसकी सहेली ने कितनी बड़ी बात कही कि तुझे तो लोग पसंद क्यों नहीं करते, इसी गम में उसे नींद ना आ रही थी। माँ की सिसकती आवाज को सुने, बाप की सिसकती आवाज को वो सुन जाती है। रात की तारीखी में अपने दरवा अपने कमरे से बाहर निकलती है, जुबान से नहीं, जुबान से नहीं, दिल से एक आवाज लगाती है, ए मेरे बाप अब मेरे फिक्र करने की तुझे जरूरत नहीं, ए मेरी बाप अब मेरे फिक्र में तुझे अपने गोश्त को हड्डियों से जुदा करने के आसपास पैदा करने की जरूरत नहीं, अब मेरे लिए मत बिलखना, अब मेरे लिए मत तड़पना, मेरी फिक्र में कई दिन हो गए माँ तूने खाना न खाया, मेरी फिक्र में मेरे बाप तूने खाना नहीं खाया, आज के बाद तुझे खाना भी मयसर हो, आज के बाद मेरे गम तेरे दिलो दिमाग से दूर हो जाए, मेरी शादी की फिक्र तेरे दिल से आज मैं निकालना चाहती हूँ। ये दिल से चाहिए अपने घर के दालान से बाहर आती है, मेन गेट को खोलती है, ऐसे से बाहर निकलती वही बच्चियाँ, कभी कुएं में जा करके फलांग देती है, छलांग लगा करके खुदकशी कर लेती वही बेटी, कभी रेल पटरी पे लेट जाती है, अपने जिस्म को कटवा देती वही बेटी, कभी जंगल में जाके दरख्त में फांसी के फंदे पे लटक जाती वही बेटी, कभी जहर को अपना खुराक बना करके दुनिया से गुजर जाती है। ए बताओ मुसलमानों, रेल की पटरी पर सोने पर मजबूर किसने किया? उस बच्ची को कुएं में कूद करके अपनी खुदकशी जान देने की, जान देने की आखिरकार इजाजत किसने?
रखने दी। किसने मजबूर किया उसे खुदकशी करने पर? मजबूर आपने किया उसे कुएं में छलांग लगाने पर? मजबूर हमने और आपने किया। ए लोगों, ये 10 साल जिंदगी ऐसी होती है ना, कभी तू दौलतमंद बन जाएगा, अल्लाह ने दौलत दी है, लेकिन 10 साल के भीतर देख कितने दौलतमंद गरीब हो गए, भिखमंगा हो गया, कितने भिखमंगे हाथ फैलाने वाले रईस हो गए। ए लोगों, अपनी दौलत पे घमंड न करना, अपनी जरूरत पे घमंड न करना, अपने मालो सर पे घमंड न करना। याद रख ले, कल कयामत के मैदान में आका एक कायनात पूछेंगे, ए मेरे उम्मतियों बताओ, इस बच्ची को कुएं में किसने डाला, इस बच्ची को रेल की पटरी पर किसने सोने पर मजबूर किया? हम और आप कहेंगे, या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा रोंगटा रोंगटा आपका हर आदा वहां बोलेगा, अगर ये जालिम ईमान न करता तो यकीनन यकीनन ये इस बच्ची के भी हाथ पीले हो जाते, इसके घर की शहनाइयां बजती, ये भी किसी की पत्नी, ये भी किसी की बीवी बन जाती, इसका भी कोई शौहर होता। हे लोगों, आज तहरीके बेदारी से ये पैगाम हर जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले ये पैगाम हमारे उलमा पहुंचा रहे हैं कि लोगों, जो गुनाह किए उन गुनाहों से तौबा कर लो, और अब ये अहद कर लो जो मेरे नबी ने फरमाया है, वो सुन्नत को आम करेंगे। आका ने फरमाया, निकाह को आसान करो, हम निकाह को आसान करेंगे, ना पटाखे उड़ेंगे, ना ढोल बजेंगे, ना ताशे लगेंगे, हम निकाह को सुन्नत नबी समझ में आसान करेंगे। हमें बेटी चाहिए, हमें बहू चाहिए, मस्जिद के दरवाजे पर ला करके इमाम से निकाह पढ़वाए, इरादा कर लो गुनाहों से बचो। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अपने आप को सुधारने की जरूरत है, अपने आप को सुधारने की जरूरत है। जलसा होना करना कमाल नहीं है, उन नेक बातों पर अमल करना ये बहुत बड़ा कमाल है। अल्लाह हम सबों को अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। और जो मकसद थी आप लोगों को मेरी तकरीर सुनने की, वो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो गुफ्तगु होगी, इलाके का है, इंशाल्लाह कभी मौका मिला फिर हाजिरी होगी। अल्लाह हमारे यहाँ की कमेटी के नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, इलाके के सारे लोगों को, जितने लोग इसमें शरीक हुए थे, मौला सबकी जायज मुरादों को तो पूरी अता फरमा। यहाँ के कमेटी के लोग दूर दूर से हजरत कमाते हैं, सूरत गुजरात वगैरह जलसे के खातिर सभी लोग आ गए। अल्लाह उन सबों के कारोबार में बरकतें अता फरमाए, जायज कारोबार में बरकतें अता फरमाए, उन लोगों की कमाई में बरकतें दे। और मौला इनमें जो कोई भी औलाद हो उन्हें साहिब औलाद बना दे, जो कोई बीमार हो शिफा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तुबू इलैहि ला इलाहा